वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल नंबर 5। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स हो गए हैं, आज हम 5th मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? आर्चेस। आर्चेस प्रिफरेबली, मतलब आपका अगर देखा जाए तो मैं आपको जैसे पहले बताया, आर्चेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो आर्चेस से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई कन्वेंशनल पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो हर चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आर्चेस से वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इवन अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूँ, जैसे ESE वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ से भी आर्चेस से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप गेट वगैरह की बात करेंगे या फिर कोई आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि स्टेट लेवल AE JEE का है, तो वहाँ से कंपैरेटिवली आपको क्वेश्चन कम दिखेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम आएंगे। थोड़ा सा यहाँ से आपको आर्चेस से टॉपिक से देखने को कम मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर में। कन्वेंशन के लिए आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्चेस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आर्चेस होता क्या है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्चेस कुछ आपका इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एन आर्च एक्ट्स लाइक एन इन्वर्टेड केबल। केबल कैसा होता है जनरली, अगर आप केबल की मैं बात करूँ तो केबल कैसा रहता है जनरली, आपका इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर आप केबल में, अगर आप मैं बात करूँ सस्पेंशन ब्रिज की, अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन ब्रिज की, तो आप हमेशा देखेंगे सस्पेंशन ब्रिज कैसा रहता है आपका, कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका केबल है। ठीक है, ये सब क्या है आपका, केबल है। और यहां पर ये जो रहता है, ये क्या है आपके पास, ब्रिज, इसको हम बोलते हैं टावर। और ये जो है, ये क्या है आपके पास, दिस इज केबल। तो केबल आप जनरली यू फॉर्म में देखेंगे। इन्वर्टेड केबल मतलब क्या हो गया, ये आप कुछ इस टाइप का देखेंगे, इसको हम बोलते हैं आर्च। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्च। अब इसके कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है आर्च का, जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। ये जो आपको दिख रहा है जिसपे रेस्ट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं अबटमेंट, इसको हम बोलते हैं अबटमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास, अबटमेंट है। टॉप का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बात करूँ, टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, L। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L। तो यहाँ से बेस से इसका जो टॉप जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं राइज, इसको हम क्या बोलते हैं, राइज। ठीक है, जो हाइट जो होती है क्राउन तक की, उसको हम क्या बोलते हैं, राइज। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल H से। बाकी जो इन अंदर वाला जो कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्राडोस। अब ऊपर वाला जो मेंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डोस। और यहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग लाइन। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ याद करना है, वो क्या है आपके पास, H जो है वो क्या है आपके पास, राइज। राइज क्या होता है आपके पास, सेंटर से लेकर उसका जो क्राउन तक का जो हाइट है, उसको हम बोलते हैं राइज। ठीक है, टॉप पॉइंट को हम बोलते हैं क्राउन। चलिए अब समझते हैं आर्च है क्या बेसिकली। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हूँ, आर्च क्या होता है, एन आर्च एक्ट्स लाइक ए इन्वर्टेड केबल। आपको बता दिया केबल कैसा था, आपके यू फॉर्म में रहता था जनरली ब्रिज वगैरह में, और ये कैसा आपके पास, इन्वर्टेड केबल के शेप में दिख रहा है। इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, BM के आपके पास बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आर्च का, कि आर्च हम वहाँ पर यूज करते हैं ना, बेसिकली आर्च की प्रॉपर्टी है कि वहाँ पर आर्च में जो बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो क्या होता है, उसमें कम आता है कंपैरेटिवली इन केस ऑफ बीम या फिर इन केस ऑफ एनी अदर स्ट्रक्चर लॉन्ग स्पैन में। ठीक है, तो आर्च में क्या होता है आपके पास, जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है उसमें, कम आता है। ठीक है, इट इज़ मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, बट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इट रेजिस्ट सम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया कि आर्च जो होता है, आर्च की प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास। सबसे पहली चीज़ जो है कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम आता है। दूसरी चीज़, ये कैसा मेंबर है, ये एक कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, ये मेनली किसको ये रेजिस्ट करता है, कंप्रेशन, जो कंप्रेसिव लोड्स होती हैं उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है आर्च की। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए आप आर्च का, उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो आर्च है बेसिकली, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरे स्ट्रक्चर से, दूसरे मेंबर से अगर हम कंपेयर कर लें, तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन में लिख रहा हूं,
आर्च को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कंपैरिजन विथ केबल्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसको, आर्च को हम कंपेयर कर रहे हैं किस किसके साथ, केबल्स के साथ। तो यहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आर्च का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट जो आती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम आती है कंपैरेटिवली किससे, बीम्स वगैरह से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं केबल के बारे में बात करूं, तो ये है आपके पास केबल और ये है आपके पास आर्च। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आर्च जो केबल जो होता है, केबल क्या होता है आपके पास, इट इज अ कौन से टाइप का मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर है कि टेंशन मेंबर है। तो केबल क्या होता है, हमेशा एक टेंशन मेंबर होता है, ठीक है। केबल को हम कैसे यूज करते हैं, हमेशा एज अ टेंशन मेंबर ही यूज करते हैं। केबल है क्या, बेसिकली केबल क्या है, केबल एक रोप है, ठीक है। केबल क्या है, एक रस्सी ऐसे ही है। तो रोप को हम क्या करेंगे, कभी हमेशा उसको खींचेंगे। कभी आप देखियो क्या, रोप को लगा के उसको धक्का दे रहे हैं रोप को, नहीं। रोप आप कहीं पर भी लगाएं तो रोप हमेशा खींचने के लिए ही होता है, तो हमेशा उसमें क्या लगता है, टेंशन होता है। तो रोप केबल कैसा आपके पास, टेंशन मेंबर है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आर्च कैसा आपके पास, आर्च एक कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। इसमें जो लोड्स जो आती है उसके कारण एक बेसिकली किसको रेजिस्ट करता है, ये कंप्रेशन को। तो इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, केबल का ये टेंशन मेंबर है और आर्च कैसा आपके पास, कंप्रेशन मेंबर है। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं केबल के साथ आर्च को, तो मैं बोल सकता हूं कि केबल जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर। केबल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप उसको चाहे मोड़ लो, उसको कोई भी अलग अलग टाइप का शेप दे दो, तो केबल क्या हो जाएगा आपका, आसानी से अपना शेप जो होगा वो चेंज कर लेगा। इट इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर एंड इट कैन चेंज इट्स, इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर डिफरेंट लोडिंग, अंडर डिफरेंट लोडिंग, ठीक है। अगर आप किसी भी अलग अलग टाइप का केबल को आप मोड़ सकते हो, आप उसको रोल कर सकते हो, आप उसको अच्छे से उसको टाई कर सकते हो, उसके शेप को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्च की बात करूं, क्यों, तो आर्च को आप ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं, आर्च को आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों, अरे यार पेन में मजा नहीं आ रहा यार, आर्च को आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आर्च कैसा आपके पास, आर्च है इट इज अ रिजिड मेंबर, ठीक है। इट इज कैसा है आपके पास, ये एक रिजिड मेंबर है। आप इसके शेप को चेंज कर सकते हो क्या अंडर सर्टेन लोडिंग, नो, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, केबल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, और आर्च जो होता है वो कैसा होता है आपके पास, रिजिड मेंबर होता है। थर्ड पॉइंट देखूं, थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूं केबल का, तो केबल में क्या बोल सकता हूं कि इट हैज नो रेजिस्टेंस, इट हैज नो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग मोमेंट, टुवर्ड्स बेंडिंग मोमेंट मतलब नो रेजिस्टेंस मतलब बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा इसमें, जीरो। बेंडिंग मोमेंट वो रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को वो ले ही नहीं पाएगा। इट हैज नो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर यहां पर अगर मैं बात करूं आर्च के लिए बात करूं, तो आर्च में क्या बोल सकता हूं, वैसे क्या है ये, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, मैं आपको बता दिया था ये वाला पॉइंट, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, बट इट रेजिस्ट सम बेंडिंग मोमेंट, सम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, ठीक है। मैं यहां पर लिखाया था आपको कि बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इट रेजिस्ट सम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स ऑल्सो। लेकिन आप मेरे को बात बताइए, केबल में वो बेंडिंग मोमेंट को कोई भी रेजिस्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज पे वो रेजिस्ट करता है, वो क्या है उसका, टेंशन पे, ठीक है। तो क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वो क्या ले सकता है, वो टेंशन ले सकता है, बाकी ना ही वो कंप्रेशन ले सकता है, ना ही वो क्या ले सकता है, बेंडिंग मोमेंट ले सकता है। तो ये केबल की प्रॉपर्टीज थी, और ये क्या थी आपके पास, आर्च की प्रॉपर्टीज। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, आर्च का अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि आर्च कैसे टाइप का मेंबर है, केबल कैसे टाइप का मेंबर है।
तो ये क्या था आपके पास, कंपेयर कर रहा था मैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कंपेयर कर लेता हूँ किसके साथ, आर्च को, आर्च को मैं कंपेयर कर लेता हूँ बीम्स के साथ, कंपेरिजन विथ विथ बीम्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, चलिए सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, एक बीम ले लेता हूं। यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक मैंने सिंपली सपोर्टेड एक बीम ले लिया। मैंने क्या किया यहां पर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, और यहां पर दूसरी जगह पे क्या ले ले रहा हूं मैं, दूसरी जगह पे चलिए छोटा छोटा सा बीम बनाता हूं, दूसरी जगह पे मैंने ले लिया है यहां पर आर्च, ठीक है। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ये बीम है और ये क्या आपके पास आर्च। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में, दोनों पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ही मैं क्या लगा रहा हूं, पॉइंट लोड लगा रहा हूं सेंटर पे, दोनों पे लोड कितना लगाया मैंने, सेम लगाया, और इस पे भी मैंने पी का ही लोड लगाया, कहां पर लगाया मैंने, सेंटर पे। मतलब अगर ये टोटल एल है तो ये हो जाएगा L बाई टू, ये हो जाएगा L बाई टू, अगर ये टोटल L है तो यहां से यहां तक हो जाएगा L बाई टू, और यहां से यहां तक हो जाएगा आपका L बाई टू, उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखूं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, ठीक है, मैं यहां पर क्या बताया था, आज की डेफिनेशन में क्या बताया था, इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आर्च में जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो दूसरे स्ट्रक्चर से, दूसरे मेंबर्स के कंपेरिजन में क्या होता है, इसमें बेंडिंग मोमेंट कम आता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो बीम में ले लिया मैंने, सेम टाइप की लोडिंग रखा, सेम टाइप का उसका मैंने क्या रखा, लेंथ रखा, ये भी L है, ये भी L है, और यहाँ पर ये भी क्या है आपके पास, ये L बाई टू, एंड दिस इज ऑल्सो L बाई टू, टोटल लेंथ कितना है L, सेंटर पे लगाया। चलिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले आप इसका रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, रिएक्शन अगर मैं फाइंड आउट करने बोलूँ, ठीक है, अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ से आर ए कितना हो जाएगा, आर ए कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे लोड लगा हुआ है। सिमिलरली आर बी भी कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितना, पी बाय टू, क्लियर। अब मैं कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन काटा, कोई भी क्या किया मैं, एक एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक सेक्शन काटा, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भैया यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, ठीक है। ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक सेक्शन काट के मैं बोला कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर करूंगा कि आर्च में कम है कि ज़्यादा है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाया। तो यहाँ पर अंडर सर्टेन लोडिंग एम एक्स मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो एम एक्स कितना आ जाएगा, इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, कितनी फोर्स आ रही है, सिर्फ एक, कौन सी, रिएक्शन एट ए, तो ये कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, और कोई लोड आ रही है क्या, सेक्शन के मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला सेक्शन एनालाइज किया, राइट वाला नहीं किया है, तो ये वाले लोड कंसिडर मत करना, लेफ्ट में सिर्फ एक ही लोड आ रही, कौन सी, एक ही रिएक्शन आ रहा है आर ए का, तो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, पी बाय टू इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, पी बाय टू इंटू एक्स। चलिए तो बीम में मोमेंट कितना आया, कोई भी एक एक्स डायरेक्शन पे, पी बाय टू इंटू एक्स। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसमें, आर्चेस में देख ले। चलिए आर्चेस में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सेंटर पे एक लोड लगाया, सेम ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, L है, और मैंने सेंटर पे लोड लगाया है, मतलब L बाई टू, L बाई टू पे, तो मेरे को बताइए रिएक्शन कितना आ जाएगा, सबसे पहले रिएक्शन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये हिंज है ना, टोटल रिएक्शन कितने आ जाएंगे, ये हिंज सपोर्ट है तो टोटल कितने, दो रिएक्शन आ जाएंगे, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी दो रिएक्शन आ जाएगा। चलिए तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज आर ए एंड दिस इज एच ए, सिमिलरली दिस इज आर बी एंड दिस इज एच बी, टोटल एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है, तो हर हिंज सपोर्ट में कितना हो जाएगा, दो दो रिएक्शन आएगी, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब मैं क्या किया, मैं बोला आपको कि यहाँ पर कोई भी एक एक्स डायरेक्शन पे, यहाँ से कितना ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स डिस्टेंस पे क्या बोला मैंने, बेंडिंग मोमेंट निकालने बोला इस सेक्शन पे, ठीक है। चलिए इसकी वर्टिकल हाइट अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ से इसकी वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, क्लियर। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए,
तो इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो कितनी फोर्स दिख रही है, आर ए और एच ए। तो यहां से अगर मैं बोलूं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, तो ये दो फोर्सेस के कारण, ये दो रिएक्शन के कारण आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स माइनस एच कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कितना हो जाएगा एच इंटू वाई। देखिए एच ए और एच बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, तो दोनों को इक्वल करके मैं क्या लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स एच से ही डिनोट किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एम एक्स की बात करूँ तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा आपका पी बाई टू इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, ठीक है। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना आया, पी बाई टू इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई। तो यहाँ पर आप देखिए बीम में सेम लेंथ की बीम है और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आया, पी बाई टू इंटू एक्स। लेकिन जब आर्च में मैंने सेम लेंथ का मैंने आर्च रखा, सॉरी हाँ ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी है एल, सेम लेंथ का मैंने आर्च रखा जितने लेंथ का मेरा बीम था, और मैंने सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स भी लगाया जितना मैंने बीम पे लगाया था, लेकिन कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड मेरा जो आया बेंडिंग मोमेंट का वो कितना आया है, एम एक्स कितना है, पी बाई टू एक्स माइनस एच इंटू वाई। लेकिन यहाँ पर कितना आया था, सिर्फ पी बाई टू इंटू एक्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माइनस में एक टर्म आ रहा है जो क्या कर रहा है, इस बेंडिंग मोमेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कंपेयर किससे करेंगे तो बीम के बेंडिंग मोमेंट से, यहाँ से पी बाई टू एक्स था, यहाँ पर पी बाई टू एक्स माइनस कुछ क्वांटिटी आ रही है, तो हम माइनस करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्च में बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश किया था कि जो आर्च जो होता है इस पर क्या होता है, इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब यहाँ पर आर्च में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे मेंबर्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कंपैरिजन में कम आता है, ठीक है। तो उसको हमने वहाँ पर प्रूव भी कर लिया। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन लिखिए, दोनों के साथ कंपेयर कर लीजिए, कंपैरिजन विथ केबल्स और कंपैरिजन विथ बीम्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करिए, अब अपन देखते हैं इसका आगे। चलिए अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, तो अगर मैं आर्च के एडवांटेज की बात करूं, तो आप सोचिए आर्च के क्या क्या एडवांटेज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टीज बता दी आर्च की, कि आर्च में होता क्या क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है, तो इसका मतलब यही है ना, वही तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, वही क्या हो गया, सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन एडवांटेज की बात करें, तो चलिए सबसे पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा, सबसे पहला एडवांटेज हो जाएगा फॉर लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स, फॉर लॉन्ग स्पैन structures, arches arches have less bending moment comparing comparing with beams, comparing with beams, ठीक है। Next point अगर मैं बोलूँ तो since in arch bending moment is less, चलिए अगर bending moment कम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर bending moment ही वहाँ पर कम आ रहा है, तो मैं member का जो cross section है उसको मैं कैसा रख सकता हूँ, कम रख सकता हूँ। अगर मान लीजिए ये क्या है मेरे पास, बेंडिंग मोमेंट का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है, सॉरी ये आर्च का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें बेंडिंग मोमेंट काफ़ी कम आ रहा है कंपैरेटिवली बीम्स वगैरह से, तो कम आ रहे हैं, तो कम बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रक्चर का जो क्रॉस सेक्शन है उसको भी तो हम कम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसका हम क्रॉस सेक्शन भी तो कम कर सकते हैं। तो हम क्या कर दिए,
आर्च का क्रॉस सेक्शन हम क्या कर दिए, कम कर दिए। तो यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा वो कम हो जाएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड कम हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हमारे पास इकोनॉमिकल हो जाएगा, हमारे पैसे जो रहेंगे बच जाएंगे। सिंस इन आर्च बेंडिंग मोमेंट इज लेस, हेंस वी कैन यूज लेसर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंबर। ठीक है, टू रिड्यूस द इकोनॉमी। तो समझ में आया। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या होता है आर्च स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में, तो पहला डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है कि आर्च को बनाने के लिए, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग आर्चेस वी नीड हाईली स्किल्ड पीपल। ठीक है, मतलब क्या होगा, आर्च को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो लेबर्स जो रहेंगे वो भी कैसे होने चाहिए, आपके पास एक स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए। नॉर्मल आपके पास जो लेबर्स आते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन आर्चेस को कंस्ट्रक्ट करने में उनको टाइम लगेगा। ठीक है, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली आर्चेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आपका जो डिज़ाइनिंग जो होती है वो भी क्या होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं तो कोई भी कर सकते हैं उसको, लेकिन आर्चेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर एक स्किल्ड पर्सन को हायर करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो वी कैन नॉट यूज इट इन रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है, ऐसा नहीं है वी कैन नॉट यूज इट, हम कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं बट जनरली हम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उसको करने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें थोड़ा हाईली स्किल्ड लेबर्स को रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, एस्थेटिकली भी वो उतना प्लेजेंटफुल नहीं लगता है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी जो जगह होती है, जैसे आप कोई एक रिक्रिएशनल टाइप की स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या फिर कोई एक मॉस्क बना रहे हैं, कोई टेम्पल्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर आर्चेस वगैरह सही लगता है। नॉर्मल छोटे घर वर्क के लिए आर्चेस उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहता, तो ये उसके छोटे से डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से कर लीजिए, कंपैरिजन विद जो बीम्स जो मैंने बताया इसको आप अच्छे से बना लीजिए, कि यहाँ पर दोनों बेंडिंग मोमेंट को हमने जो कंपेयर किया है इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद अपन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस। ठीक है, कैसे कैसे टाइप के आर्चेस होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आर्च की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले टाइप का आर्च अगर मैं बोलूँ तो कैसा हो जाएगा आपके पास, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। This is A, this is B, and this is C. ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A और B कैसा दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट दिख रहे हैं, और यहाँ पर C पॉइंट जो कि क्राउन जो पॉइंट है वहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक इंटरनल हिंज को वहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। तो टोटल कितने हिंज हो गए, 1, 2, 3, तो इसको हम बोलते हैं 3-hinged arch। इसको हम बोलते हैं 3-hinged arch। क्लियर है, तो ये पहले टाइप का आर्च हो गया। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सी पॉइंट है उसमें हिंज वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, हिंज ए और बी, तो इसको हम बोलते हैं 2-hinged arch। इसको हम बोलते हैं 2-hinged arch। सिमिलरली लास्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने सपोर्ट चेंज कर दिया, उसको मैंने क्या लिख दिया, यहां पर कैसा बना दिया उसको, मैंने फिक्स सपोर्ट बना दिया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड आर्च। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड आर्च। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो आर्चेस जो मैंने बनाया है, ठीक है, जैसे 3-hinged arch है, तो या तो ये पैराबोलिक शेप में रख सकते हो आप इसको, ठीक है, या फिर आप इसको सर्कुलर शेप में भी दे सकते हैं, तीनों में। ठीक है, या तो ये 3-hinged parabolic arch होगा या फिर ये 3-hinged
कैसा हो जाएगा, सर्कुलर आर्च। सिमिलरली यहाँ पर भी टू हिंज पैराबोलिक आर्च या फिर टू हिंज सर्कुलर आर्च, और वो क्या हो जाएगा आपके पास, फिक्स्ड आर्च। अगर मैं यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेसी या फिर इनडिटर्मिनेसी की मैंने बात करूँ, तो ऑब्वियसली आपने मॉड्यूल वन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि कोई भी स्ट्रक्चर को, मैंने क्या बताया था, मॉड्यूल वन पढ़ने के बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि वाला जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ थ्री हिंज आर्च की, तो यहाँ पर कितने रिएक्शन आएंगे इस सपोर्ट पे, दो। यहाँ पर कितने रिएक्शन आएंगे इस सपोर्ट पे भी, दो। तो टोटल अगर मैं डी की बात करूँ, इंटरनल तो आएगा नहीं, इंटरनल भी आएगा, ऐसी बात नहीं है इंटरनल नहीं आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग इनडिटर्मिनेसी के बारे में अगर बात करूँ, तो डी एस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस ई, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल है ना, इंटरनल की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल कैसा हो जाएगा आपके पास, 3C - RR, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस। रिएक्शन कितने रिलीज हो रहे हैं, सिर्फ एक, कौन सा, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके पास जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस पॉइंट पे एम सी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो एक रिएक्शन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। तो अगर मैं डी एस, डी एस की बात करूँ, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना हो जाएगा, 1 - -1, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0। इसका मतलब डी एस की वैल्यू 0 है, तो ये वाला जो आर्च है ये क्या है आपके पास, डिटर्मिनेट आर्च है, ठीक है। ये वाला आर्च कैसा आपके पास, डिटर्मिनेट आर्च है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये वाले टू हिंज की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो रिएक्शन और दो रिएक्शन, टोटल कितना हो जाएगा, 4 - 1, 4 - 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास, 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इनडिटर्मिनेट आर्च है। कितनी डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो रहा है, ये 1 डिग्री से क्या हो रहा है, इनडिटर्मिनेट हो रहा है। अगर मैं फिक्स्ड आर्च की बात करूं, तो इसका डी एस अगर आप निकाल के बताएं, तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आएंगे और यहाँ पर भी 3 रिएक्शन आएंगे, टोटल हो जाएगा 6 - 3, आया कितना आपके पास, 3। इसका मतलब ये वाला जो आर्च है ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है, कितने डिग्री से हो रहा है, ये टोटल 3 डिग्री से आपके पास क्या हो रहा है, ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है। समझ में आया, तीनों आर्च के बारे में समझ में आया। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, आपको बोल सकता है पैराबोलिक आर्च भी दे सकता है, आपको दे सकता है वो सर्कुलर आर्च भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पहला केस लेने जा रहे हैं एनालिसिस के लिए, वो हम कौन सा ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक पैराबोलिक आर्च मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराबोलिक आर्च बना दिया। अब तीसरा हिंज कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे। लोडिंग रहेगी इसके ऊपर, कैसी भी रहेगी, लोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करने के लिए अब मेरे को बताइए, सबसे पहले जो रिएक्शंस जो आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर दो रिएक्शन आ जाएगा, कौन सा, वी ए एंड दिस इज एच ए। सिमिलरली बी पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, दो रिएक्शन आएंगे, कौन सा, वी बी एंड दिस इज एच बी। चलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप एनालिसिस करेंगे इसका, थ्री इंच का जब भी आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मैं सिंपल से क्या कर दूंगा, पॉइंट्स में लिखा दूंगा। अब उस पॉइंट से क्या करना, जो स्टेप्स में मैं लिखाऊंगा उसी स्टेप्स को आप फॉलो कर लेना, तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर आराम से बन जाएगा। ये पैराबोलिक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सबसे पहला स्टेप करेंगे कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शंस वी ए एंड वी बी, ठीक है। क्या करना है आपको, वी ए और वी बी को फाइंड आउट कर लेना, जो भी एक्सटर्नल जो लोडिंग रहेगा, किसके यूज से, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वी ए और वी बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर आपके पास बहुत सारी लोड्स लगी है, तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड समेशन कोई भी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ले ले, तो समेशन एम ए इक्वल्स टू जीरो करोगे, तो आपको यहाँ पे वी ए और वी बी आपको ईजिली क्या हो जाएगा,
मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले स्टेप में आप VA और VB फाइंड आउट कर लिए, तो आप VA और VB को फाइंड आउट कर लीजिएगा। सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे आप, सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एच ए एंड एच बी, एच ए एंड एच बी यूजिंग एम सी इक्वल्स टू जीरो, यूजिंग एम सी इक्वल्स टू जीरो। एम सी इक्वल्स टू जीरो मतलब सी पॉइंट पे क्या आपके पास बेंडिंग हिंज लगा है, इसका मतलब एम सी मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, या तो उस पॉइंट के लेफ्ट से या तो उस पॉइंट के पूरे राइट से आप क्या कर लीजिए, समेशन ऑफ मोमेंट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट से अगर मैं देखा बेंडिंग मोमेंट निकाला एट सी पे, तो मुझे यहां पर कुछ बेंडिंग मोमेंट मैं फोर्सेस कारण निकालूंगा सी पॉइंट पे, और वो किसके बराबर रख दूंगा, मैं इक्वल्स टू जीरो के बराबर रख दूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना आता है मुझे पता है, हिंज है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, जीरो का आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यूजिंग एम सी इक्वल्स टू जीरो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्लियर है, तो इसका मतलब आपके पास वी ए एच ए वी बी और एच बी क्या हो गया, आपको मिल गया, दो स्टेप कंप्लीट हो गए आपके। चलिए थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं यहां पर कैलकुलेट, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्सेस, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास वर्टिकल रिएक्शन है, यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए के लिए, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज आर ए, और बी पे क्या हो जाएगा दिस इज आर बी। ये क्या आपके पास, ये दोनों क्या आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेस है। अब आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर ए पे निकाल रहे हैं तो वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर आप बी पे निकाल रहे हैं तो आर बी इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्सेस को भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तीन चीज हो गई, अब नेक्स्ट अब आता है हमारे पास स्टेप नंबर फोर, एनालाइज करने के लिए स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में क्या करना है, आपको किसी भी पॉइंट पे आपको क्या बोलेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके वो बोल दिया कि यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, दिस इज पॉइंट डी, बोलेगा क्वेश्चन में एम डी पे, डी पॉइंट पे क्या करो, या फिर बोलेगा कि ए से कुछ 5 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस पे आप क्या करिए, इतने डिस्टेंस पे ये वाले पॉइंट पे आप क्या करिए, मुझे बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए। तो अगर मैं डी पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए चाहूँ, तो आपको ये तो पहले बता देगा कि कितने डिस्टेंस पे आपको दिया है, मतलब यहाँ से आपको एक्स आपको गिवन होगा। ठीक है, एक्स आपको गिवन होगा, तो अगर मैं डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहूँगा तो वी ए इंटू एक्स, ये पता है वी ए निकाल लिया हम, एक्स गिवन होगा, और क्या आ जाएगा माइनस एच ए इंटू वाई भी तो चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वाई भी चाहिए रहेगा बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। जब भी पैराबोलिक रहेगा तो सबसे पहले क्या कर लेना आप, कैलकुलेट वाई। ठीक है, कैलकुलेट क्या कर लेंगे आप, वाई एंड इवैल्यूएट द बेंडिंग मोमेंट एट गिवन पॉइंट, एंड इवैल्यूएट द बेंडिंग मोमेंट एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस आप जो है वाई को फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे भी आपको बोला गया है निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट, आप उस पॉइंट पे क्या कर लीजिए, आप बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मैं वाई निकालूंगा कैसे, वाई कैसे निकालूंगा, तो चलिए आपको सिखा देता हूँ। पैराबोलिक में जब भी आपके पास पैराबोलिक आर्च रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आप पहले पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह में। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगी एट एनी एक्स डिस्टेंस फॉर पैराबोलिक आर्च। ठीक है, आरसीसी में हम जब प्री स्ट्रेस वगैरह पढ़े थे वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करे थे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो आप जो y जो डिस्टेंस है वर्टिकल वो x से डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू वो होता है 4h अपॉन l स्क्वायर x इंटू l माइनस x। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए,
अच्छे से याद कर लीजिए, पहले पढ़े होंगे मुझे लग रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ किए होंगे, जहाँ पर भी इस टाइप का आपके पास शेप आता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये एच क्या है, तो एच मैंने आपको पहले बताया था, एच क्या होता है आपके पास, एच होता है ये जो राइज जो होगा ना, राइज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन के डिस्टेंस बेस से उसको हम बोलते हैं एच। वो क्या हो जाएगा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो एच आप वहाँ से ले लेंगे। एल क्या आपके पास, ए से बी, ए से लेकर बी तक का टोटल आर्च का जो लेंथ है वो क्या आपके पास एल है। एक्स क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालने के लिए बोले, ठीक है, अगर आपको जैसे डी पॉइंट पे निकालना है तो डी पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डी का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ले लिया ई, तो अगर मैं ई का अगर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो एक्स क्या हो जाएगा, ई तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी आप वाई निकालना चाह रहे हैं, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, उस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा एक्स। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे। वाई निकाल लेंगे तो आप क्या कर लोगे, ईजिली आपको उस पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर लीजिए, जो मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ वो स्टेप्स को बहुत अच्छे से, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कब समझ में आएगी, जब हम उसका एग्जाम्पल्स करेंगे या फिर हम उसके बेस पे कोई प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, चार स्टेप्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, चार स्टेप यहाँ पर हो गए। इसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेट थीटा भी कर लेना, कैलकुलेट थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट तो निकाल ही लोगे, साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर लेना, आप यहाँ पर स्लोप को भी फाइंड आउट कर लेना, स्लोप को भी आप क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। अब आप बोलोगे कि सर स्लोप क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो देखिए डिफ्लेक्शन आप निकाल लियो, वर्टिकल डिस्टेंस आप निकाल लियो, बाय थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स, थीटा क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स। तो आप यहाँ से उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी थीटा नहीं होगा, ये हो जाएगा टैन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स। तो आप वहाँ से आप थीटा को भी आप वहाँ से क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये चार स्टेप समझ में आया, क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि आपको निकालना क्या है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिफ्थ स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा फाइंड द नॉर्मल थ्रस्ट एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी आपको बोला गया है बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकालने के लिए, उस पॉइंट पे अगर आपको मेंशन कर दिया कि वहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट भी निकालना है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट n एट एनी पॉइंट x आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एन एक्स है क्या उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाला डायग्राम मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ए पॉइंट है। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया, मैं यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन काट लिया, इधर एक सेक्शन मैंने ऐसे काट लिया। ठीक है, सेक्शन काट लिया हूँ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर एक नॉर्मल थ्रस्ट आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, एक शीयर फोर्स भी यहाँ पर डेवलप होगी, कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्स है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, इसको आप हॉरिजॉन्टल मत समझना, ये जो एंगल पे जो जा रहा है उसी एंगल पे बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल थ्रस्ट, और ये जो एस जो है ये क्या है आपके पास, ये है रेडियल शीयर। अगर मैं नॉर्मल बीम में अगर मैं बनाता हूँ, अगर मैं ऐसा बीम लेता था, तो यहाँ पर अगर मैं सेक्शन कट करता था, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सेक्शन कट करता था, तो हम क्या बोलते थे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आएगी, साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक शीयर फोर्स भी आएगी। उसी तरीके से क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं आर्च में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ एक एंगल पर आएगा, तो वो एंगल कुछ इस तरीके से रहेगा। अब रेडियल शीयर क्यों बोल रहे हो सर, यहाँ पर तो हम नॉर्मल को शेयर फोर्स बोलते हैं, आप रेडियल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो ना ये थोड़ा सा रेडियल ही जा रहा है। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, रेडियल जा रहा है, यहाँ पर थीटा का यूज़ होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला कैलकुलेट थीटा,
ठीक है। बीम में कभी थीटा वगैरह यूज होता था क्या? नहीं, वो कैसा रहता था? लीनियर रहता था। यहाँ पर थीटा वगैरह यूज नहीं होता था, यहाँ पर स्लोप भी आ रहा है, स्लोप भी आ रहा है तो रेडियस आ रहा है, तो इसी कारण हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, रेडियल शेयर के टर्म्स में हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के आएंगे, एक आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट, एक आपके पास रेडियल शेयर, ये दो टर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये एन और ये एस की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एन के बारे में बताऊँ, सबसे पहले मैं एन को कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये यहां से मैंने n को मैंने बनाया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, n है, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया किसमें, वर्टिकल में, और इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया किसमें, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब ये वाले एंगल को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को बोल दे रहा हूँ मैं थीटा, ठीक है, इस वाले एंगल को बोल दे रहा हूँ मैं थीटा। चलिए यहां पर अच्छे से देखते हैं इसको, तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्टेंट कंपोनेंट आ रहा है, क्या वो आ रहा है मेरे पास n, उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया किसमें, उसको मैंने रिजॉल्व किया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, और उसी को मैंने रिजॉल्व कर लिया यहाँ पर किसमें, वर्टिकल में, और ये क्या बना रहा है थीटा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे रिजॉल्व करके लिख सकते हो क्या, ये सारे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी बी क्या हो रहा है माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस एन इक्वल्स टू वी के साथ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, साइन, माइनस वी साइन थीटा, और h के साथ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, ये n के साथ cos थीटा, ये भी माइनस में जा रहा है, v भी माइनस में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस h cos थीटा, क्लियर। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू n इक्वल्स टू v sin थीटा प्लस h cos थीटा, समझ में आ रहा है ये, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, n इक्वल्स टू v sin थीटा प्लस h cos थीटा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, इसका फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन के लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा, वो क्या रहेगा, n एट x इक्वल्स टू वी एक्स साइन थीटा माइनस h cos थीटा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे उसका नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, फाइंड द रेडियल शेयर, फाइंड द रेडियल शेयर। तो यहाँ से आप अगर एस एक्स निकालोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज प्लस ना, वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा रेडियल शेयर। सिमिलरली अगर मैं जैसे ये बताया, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, दिस इज एस, सॉरी रेडियल शेयर कैसा बताया था मैंने, इस डायरेक्शन पे आ रहा था, ठीक है। इसको मैंने रिजॉल्व किया यहाँ से दो डायरेक्शन पे, दिस इज वी एंड दिस इज एच। ये वी के साथ अगर बनाएगा थीटा, तो यहाँ से आप एस को क्या लिख सकते हो, एस को आप लिख सकते हो वी कॉस थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये क्या जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एच साइन थीटा। सिमिलरली आप इसको डायरेक्शन उल्टा भी कर देना तो भी आपके पास सेम आएगा, ठीक है। अगर आप एस को नीचे भी लेके जा रहे हो तो भी आप देखोगे तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू बी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। इसको प्रूव करते मत बैठे रहना, इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना, एस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। तो आपको यहाँ से नॉर्मल थ्रस्ट भी निकालना पड़ेगा और आपको यहाँ से रेडियल शेयर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जब भी आपके पास पैराबोलिक थ्री हिंज आर्च होगा तो वहाँ पर आप टोटल कितने छः स्टेप में आप इसको डील करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, वर्टिकल रिएक्शन नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, सेकंड में क्या करोगे आप, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लोगे, फिर रिजल्टेंट निकाल लेना, फिर उसके बाद क्या कर लेना, आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना, बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको वाई चाहिए रहेगा, तो वाई का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया पैराबोलिक के लिए, वहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, दो कंपोनेंट आते हैं, कोई भी एक पॉइंट को अगर आप सेक्शन कट करोगे तो वहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, नॉर्मल थ्रस्ट मिलेगा, और वहाँ पर आपको रेडियल शियर मिलेगा। नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एक्स साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, एस एक्स क्या हो जाएगा, वी एस कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। अब ये वी एक्स क्या है, वी एक्स है आपके पास शियर फोर्स एट दैट पॉइंट, वी एक्स क्या है आपके पास, शियर फोर्स एट एक्स, जिस पॉइंट पे भी आप कट कर रहे हो उस पॉइंट पे आपको शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स मतलब जो आपने सेक्शन कट किया
या तो उसके लेफ्ट से या तो उसके राइट से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हो जाएगा, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास शेयर फोर्स। आपको बस वहाँ पर साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, अगर आप लेफ्ट से ले रहे हो तो ऊपर वाली जो फोर्सेस रहेगी वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस जो रहेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर आप उसको निकाल सकते हो। तो ये पूरा एनालिसिस का पार्ट था, ठीक है, तो यहाँ तक अपन इसको रुकते हैं। अभी ये पूरा मैंने जो आपको बताया, ये सारी चीज़ मैंने बेसिक्स बताई है, ठीक है, ये सारी चीज़ कैसे बताया आपको, मैंने बेसिक्स बताया। इसके बाद अपन जो देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपके पास लोडिंग भी रहेगी। अभी तो मैं लोड वगैरह कंसिडर नहीं किया हूँ, ये तो सिर्फ आर्च है, आर्च के ऊपर कोई लोड आएगा ना तभी तो आर्च का यूज़ होगा। तो इसके ऊपर लोड करके हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे मतलब हम वहाँ पर उसके ये सारे कंपोनेंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, किसी एक पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, नॉर्मल थ्रस्ट कितना आएगा, उसमें रेडियल शेयर कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर निकालेंगे, तब आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपन इसके बाद में कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ओके।